साल 2018 के पहले उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव नतीजों से कांग्रेस में खुशी की लहर है। अलवर और अजमेर लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस ने राजस्थान में अपना खाता खोला। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा था, जिस पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने करीब 13,000 वोटों से जीत हासिल की। एक बार मॉडल बन चुका जनता का, अब तो अगले चुनाव का लोगों इंतजार है कब चुनाव आए और कब मतलब हम इस सरकार को घर भेजें। वसुंधरा जी की पॉलिसीज को, उनकी सरकार को, उनके करप्शन को, उनकी जिद को और अहंकार को जनता ने नकारा है। पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री वहां डेरे डाले पड़े रहे अजमेर के अंदर, लेकिन जनता ने अंततः हम लोगों को आशीर्वाद दिया। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी की हार ने पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अलुबेरिया लोकसभा सीट पर टीएमसी ने बीजेपी को 4,74,000 वोट से हराया। वहीं नावपारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 63,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए राहत की बात ये रही कि वो दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई।